हमने एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऐप तैयार किया है। उस ऐप का नाम है स्वराज्य आयुर्वेदिक। हाँ, स्वराज्य आयुर्वेदिक ऐप, यह ऐप आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तुरंत ही जाकर आप वह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए आप मुझे कौन सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, डिसीज के रिगार्डिंग, बीमारी के संदर्भ में आपका कोई भी प्रश्न हो, औषधि के संदर्भ में, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं आपका हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर महाड़िक। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे कि वो बहुत ही कम होती है, वह बहुत ही रेयर बीमारी है, लेकिन आपको उसके बारे में पता होना बहुत ही आवश्यक है। उस बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हिंदी में इसे रतौंधी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि दिन में तो अच्छी तरह से साफ दिखता है, लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता। कुछ कुछ केसेस में रात में धुंधला सा दिखता है, और रात में कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि जो वस्तु है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि रतौंधी आखिर है क्या और कैसे होती है, इसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी क्या है। हमारे जो आंख होती है, आंखों में लेंस होती है, लेंस का मतलब आंखों की पुतलियां, वो काम कैसे करती है, क्या करती है कि वो जो लाइट है हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी वो डिसाइड करते हैं। कौन? आंखों की पुतलियां, उसे पिप्यूल्स कहते हैं, पिप्यूल्स। दिन में क्या होता है कि लाइट ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होते हैं कि वो पिप्यूल्स जो होते हैं आंखों की पुतलियां जो आकुंचित हो जाती है, उससे क्या होता है कि आंखों में लाइट कम जाती है, इसी वजह से दिन में अच्छी तरह से दिखता है। रात में क्या होता है कि रात में लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, इसी वजह से ज्यादा लाइट अंदर आंखों के अंदर जानी चाहिए। इसी वजह से इसके लिए क्या करता है, जो पिप्यूल्स होते हैं वो डायलेट होते हैं, उसका आकार बढ़ता है, जाड़ी जो होती है वो बढ़ती है, इसी वजह से क्या होता है जो लाइट होती है वो आंखों के अंदर ज्यादा से ज्यादा चली जाती है, इसी वजह से अंधेरे में भी अच्छी तरह से दिखता है। जो रतौंधी होती है उसका उसमें क्या होता है कि फॉल्टी पिप्यूल्स होते हैं, जो आंखों की पुतली है उसका काम कम हो जाता है, वो अच्छी तरह से डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, आकुंचित और प्रसारित नहीं हो पाती, इसी वजह से क्या होता है कि रात में जो होते हैं वो अच्छी तरह से पूरी तरह से लाइट अंदर आंखों के अंदर नहीं चली जाती और अच्छी तरह से नहीं दिखता रात में। हमारे आंखों के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक कोन सेल्स, दूसरा होता है रॉड सेल्स। कोन सेल्स का काम क्या होता है कि कोन सेल्स कलर डिटेक्शन का काम करते हैं, हमें जो कलर दिखाई देते हैं वो कोन सेल्स की वजह से दिखाई देते हैं, उन पर रोशनी पड़ेगी तो वो डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा कलर है। रॉड सेल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो अंधेरे में दिखाई देने का काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइट आकर्षित करने का काम करते हैं, इसी वजह से हमें रॉड सेल्स की वजह से हमें रात को दिखाई देता है। कुछ कुछ कारण ऐसे हो जाते कि रॉड सेल्स की संख्या कम दिन ब दिन हो जाती है, इसी वजह से रात में दिखाई कम देता है। रॉड सेल्स कम होने के कारण कौन कौन से होते हैं, आंखों की कोई भी बीमारी हो, ग्लाउकोमा जैसा बीमारी हो, उसकी वजह से इंजुरी हो, कुछ कुछ केसेस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है रॉड सेल्स डेड होते जाते हैं, इसी वजह से उनकी संख्या कम होती है। ऊपर के जो दो कारण है, पिप्यूल्स का अच्छी तरह से वर्क न करना और रॉड सेल्स का न होना, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए। इसके अलावा कौन कौन से कारण और है यह अब हम देखेंगे। सबसे पहला, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण कारण क्या है कि चश्मा लगना। अगर आपको नंबर लगा हो, चश्मा लगा हो, तो भी रात में दिखने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको मोतियाबिंद हो तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको डायबिटीज हो, शुगर लेवल बढ़ी हुई हो, तो भी ऐसा हो सकता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो, विटामिन ए खाने में कमी हो, तब भी रात में दिखने में प्रॉब्लम आता है। विटामिन ए जो होता है वो आपके आंखों की सेहत के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसकी कमी से रतौंधी आती है। साथ ही साथ जो बढ़ी हुई शुगर लेवल होती है वो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। अब हम नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की ट्रीटमेंट देखेंगे। इसके जो कारण मैंने ऊपर बताए हैं, वह कारण जो अगर हो, कौन सा भी इसमें कारण हो, तो उस कारण की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आपको चश्मा लगा हो तो आपको चश्मा पहनना चाहिए, रात को भी और दिन को भी चश्मा कंटिन्यूस पहनना चाहिए। अगर आपको मोतियाबिंद हो तो उसका ऑपरेशन होता है, आपको लेंस बदलवानी चाहिए तो आपको रात में अच्छी तरह से दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज हो तो उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शुगर आपकी कंट्रोल में ही होनी चाहिए। अगर आपको ग्लाउकोमा हो तो आपको अच्छे डॉक्टर को आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी।
ग्लाउकोमा एक प्रकार का आंखों की बीमारी है। उसमें क्या होता है, आंख बहुत ही ज्यादा दुखते हैं। इसका कारण होता है कि आंखों के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से आंख दुखती है। इसके ट्रीटमेंट से रतौंधी आपकी कम हो जाएगी। अगर ऊपर का कोई भी कारण न हो तो क्या होता है कि विटामिन ए डिफिशियंसी होती है, विटामिन ए की कमी होती है। तो विटामिन ए एंड डी यह कैप्सूल आती है, यह आपको रोज एक टाइम तीन माह तक कंटिन्यू लेनी पड़ेगी तो यह बीमारी ठीक हो जाती है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या आपको बार बार दिखाई दे रही हो, बहुत सालों से हो, बहुत दिनों से हो, तो आपके लिए कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ टिप्स है, यह आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है कि विटामिन ए जिसमें ज्यादा होते हैं वह चीजें, वह पदार्थ आपको ज्यादा खाने पड़ेंगे। कौन कौन से है, गाजर, मूली, हरी सब्जियां, अंडा, उसके बाद मिल्क, दूध, इसमें विटामिन ए और डी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। यह आप कंटिन्यू खाएंगे, रोज आपके आहार में इसका समावेश करेंगे तो आपके लिए, सेहत के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए यह अच्छा होगा। साथ ही साथ आंखों को यूवी रेज और सन रेज इससे बचाना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो यूवी रेज होते हैं उससे आंखों के जो कोन सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अगर बाहर जाते हो तो बाहर जाते वक्त हमेशा ही सनग्लासेस पहन कर ही जाए। सनग्लासेस आपको आंखों को बचाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।